की आवाज खबर 7C खबर। सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7C न्यूज चैनल को, देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। कोरोना महामारी की आशंका के बीच केरल में तेज से संक्रमण के मामले में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए केरल सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। झारखंड के धनबाद में सड़क हादसे में जज की मौत से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। जज उत्तम आनंद कई संगीत और गंभीर मामले की सुनवाई कर रहे थे। आशंका है कि अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अगस्त को बिंद कॉरिडोर का शिलान्यास सहित 90 योजनाओं की सौगात मिर्जापुर को देंगे। 288 करोड़ की लागत वाली 90 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। 2 घंटे तक जिले में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। इसको देखते हुए तैयारियों को तेजी से अमली जामा पहनाया जा रहा है। बंगलुरु कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय शीर्ष नेताओं से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कैबिनेट विस्तार के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से समय मांगा है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कर्नाटक की कैबिनेट गठन पर कहा है कि लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए अपने राज्य के नेताओं से भी मिलूंगा। संसद के मानसून सत्र के दौरान पेगासस जासूसी कांड के कारण लगातार प्रभावित कार्यवाही को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया मायावती बेहद आहत हैं। बसपा के सुप्रीमो मायावती का मानना है कि जनहित के बेहद जरूरी मुद्दों पर सरकार विपक्ष के बीच अविश्वास ठीक नहीं है। मायावती ने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह पेगासस जासूसी मामले का संज्ञान ले, जिससे कि जनता को राहत मिले। संसद का मानसून सत्र आज नवा दिन है। पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों की वापसी और महंगाई को लेकर विपक्षी दलों का लगातार हंगामा जारी है। संसद में जारी गतिरोध को लेकर लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को चेतावनी दी है। ओम बिरला ने कहा कि सांसद संसद की गरिमा का ख्याल रखे। वायुसेना ने लड़ाकू विमान राफेल को अपनी पूर्वी कमान की 101 स्क्वाड्रन में बुधवार को आधिकारिक रूप से तैनात कर दिया है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौड़िया की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल को पूर्वी कमान को सौंपा गया।